कर्नाटक में एचडी कुमार स्वामी सरकार पर मंडरा रहे बादल के छटने के आसार दिखने लगे हैं। कांग्रेस के नाराज विधायक पार्टी में लौट आए हैं। ये विधायक तब वापस लौटे हैं जब आज दोपहर 3:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले कांग्रेस के विधायकों को पार्टी ने बागी करार देने का ऐलान किया है। इन विधायकों पर कथित तौर पर बीजेपी की नजर थी। उधर कर्नाटक में बीजेपी के कर्ता धर्ता प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदुरप्पा बेंगलुरु पहुंचे। येदुरप्पा पहले भी कह चुके हैं और एक बार फिर कहा कि उनकी पार्टी कुमार स्वामी सरकार को गिराने के किसी भी अभियान में शामिल नहीं है। येदुरप्पा के मुताबिक उनकी पार्टी के विधायक भी गुरुग्राम से लौट रहे हैं जहां वे कुछ दिनों से ठहरे हुए थे। हम इस प्रकार के किसी भी अवैध काम में लिप्त नहीं है, बल्कि कुमार स्वामी के द्वारा हमारे विधायकों को मंत्री पद देने का लालच दिया जा रहा है। कुमार स्वामी सरकार को अस्थिर करने की व्यर्थ कोशिश करने को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए कुमार स्वामी ने अपने विधायकों को गुरुग्राम के एक होटल में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया। सरकार गठन की कोशिश के तहत कांग्रेस विधायकों को फुसलाने की बीजेपी की कथित कोशिशों की खबरों से पैदा राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे कुमार स्वामी ने बीजेपी के इस आरोप को खारिज कर दिया कि वो बीजेपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को कांग्रेस के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बीजेपी कर्नाटक में विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही है। इस बीच आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक को सरकार गिराने की बीजेपी की कथित कोशिशों के जवाब में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से कर्नाटक सियासी चर्चा का केंद्र बिंदु उस वक्त बना जब कांग्रेस के 3 विधायक अचानक गायब हो गए और फिर उसके बाद कुमार स्वामी सरकार को झटका देते हुए 2 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। हालांकि बाद में पता चला कि कांग्रेस के ये 3 विधायक मुंबई के एक होटल में ठहरे हुए थे। इस तरह से देखा जाए तो 5 विधायक गायब हुए, जिसे लेकर कांग्रेस जेडीएस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि इन विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। हमारे विधायक को तोड़ने के लिए बीजेपी के जगदीश शेटार ने 60 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया, लेकिन उन्होंने इसकी सूचना मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी को दे दी। दूसरी ओर येदुरप्पा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को तोड़फोड़ से बचाने के लिए सभी 104 विधायकों को गुरुग्राम के एक रिसोर्ट में रख दिया है। कांग्रेस के विधायक मुंबई से वापस लौटे तो अब बीजेपी के विधायक भी अपने होम स्टेट की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में ये सियासी संकट पैदा क्यों हुआ, इसे समझने के लिए आपको कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों को समझना होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं है। मई 2018 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसने 104 सीटें अपने नाम की थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसे सत्ता से महरूम रहना पड़ा था। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस को 80 सीटें मिली, जनता दल सेकुलर को 37 सीटें मिली, जबकि बीएसपी को 1 और निर्दलीय 2 सीटों पर कब्जा करने में सफल रहे। कर्नाटक में 224 विधायक हैं। मुख्यमंत्री कुमार स्वामी को कांग्रेस के 80, जनता दल सेकुलर के 37 और बीएसपी के 1 विधायक का समर्थन है। एक मनोनीत विधायक का भी समर्थन भी उन्हें हासिल है। इस तरह कांग्रेस जेडीएस के पास 119 विधायक हैं और कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा 113 का है। वहीं बीजेपी के पास 104 विधायक हैं और 2 निर्दलीयों को मिलाकर उसके पास 106 विधायक हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश है किसी तरह से 13 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे दिलाने की, ताकि बहुमत का आंकड़ा घटकर 106 रह जाए और बीजेपी सरकार बना ले। इस पूरे मसले को ऑपरेशन लोटस 3-0 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये तीसरी बार है जब बीजेपी सत्ता में आने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति करती दिख रही है, जिसे येदुरप्पा सिरे से खारिज कर रहे हैं। कर्नाटक में सियासी संकट के बीच कांग्रेस के कद्दावर नेता का विवादित बयान भी आया, जिसमें मूल्यों को तिरोहित करते हुए एम्स में स्वाइन फ्लू का इलाज करा रहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर कमेंट किया गया। कांग्रेस के ये कद्दावर नेता बीके हरिप्रसाद हैं। सुनिए उनकी वाणी किसी बीमार शख्स के लिए कैसी सोच रखती है।
अमित शाह को बुखार आया है, कोई ऐसा वैसा बुखार नहीं, उन्हें सुअर का बुखार आया है जिसे स्वाइन फ्लू कहते हैं। अगर अब भी कर्नाटक सरकार को खराब करने की कोशिश की गई तो आपको स्वाइन फ्लू नहीं बल्कि उल्टी दस्त और दूसरी बीमारी भी होगी। कर्नाटक के संकट पर पर्दा गिर गया है या ये आग फिलहाल हवा के अभाव में सिर्फ सुलग रही है, उसे ऊंची उठने के लिए माहौल का इंतजार है। इन सवालों का जवाब फिलहाल हवा में ही है, क्योंकि खुद कुमार स्वामी कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन जब से हुआ वो नीलकंठ हो गए हैं, यानी विष पान कर सरकार चला रहे हैं। कुमार स्वामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर भी कभी बेफिक्र नजर नहीं आए, और दूसरी ओर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है जिसे सत्ता में वापसी नहीं करने का मलाल है जो बार बार उमड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।